नमस्कार, टी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान, आई चलते हैं आज के समाचार की ओर। गणेश पंचमी पर पंडाल में हुए रंगारंग कार्यक्रम, भगवान गणेश के उत्सव पर जमकर मचाई धूम। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा अगले वर्ष तू, गणपति बाप्पा। शुक्रवार का भगवान गणेश चौथ के पांचवे दिन गणेश चौथ उत्सव को बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बीच पंडालों में कई कार्यक्रम हुए जिसमें भक्तों ने भगवान गणेश जी के गानों पर जमकर नृत्य किया। गणपति बप्पा मोरिया के जमकर जयकारे लगाए। इस बीच पंडाल में गणेश उत्सव मना रहे लोगों ने बताया। 2015 में स्थापना हुई थी इसकी और ये पांचवा वार्षिक उत्सव है गणेश चौथ का। इसमें जागरण, प्रदोष और कीर्तन, सुंदरकांड और झांकी और विसर्जन 8 तारीख। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की भांति बड़े ही उत्साह के साथ में हमारे क्षेत्रवासी, ये खासकर ओम शिव मंदिर के आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, गुदड़वाग के रहने वाले, बड़े हर्षोल्लास से जो इस गणेश उत्सव का 7 दिन के लिए जो गणेश जी का विराजमान हम लोग कराते हैं, बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हर बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। इसमें प्रत्येक दिन के हिसाब से है, हर शाम को हम लोग अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कराते हैं। जैसे भजन संध्या है, सुंदरकांड का पाठ है, उसके बाद आज की डेट में जैसे आज राधाअष्टमी का कार्यक्रम हम लोग कराने जा रहे हैं। इसी तरीके से हर प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ प्रसाद वितरण वगैरह करने का कार्यक्रम होता रहता है। गणपति बप्पा, यहाँ पे एक अनोखा ही माहौल बन जाता है। जैसे कोई विशेष मेहमान आया हुआ हो, उस तरीके का यहाँ जो माहौल बना रहता है और हर तरीके की जो यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे कि मंदिर की मानता है, यहाँ पर ओम शिव मंदिर की काफ़ी मानता है, तो उसके वजह से भी यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, चहल पहल रहती। इस समय भी देखिए बच्चे अपना पूरा आनंद ले रहे हैं गणपति बाप्पा का। छंद कीर्तन है और साईं संध्या है और गणपति बाप्पा का जो गुणगान है, इस टाइप के प्रोग्राम चलते रहते हैं। प्रसाद वितरण होता रहता है पर डे, कुछ ना कुछ प्रसाद जो हमारे यहाँ होता रहता है। दोनों टाइम आरती होती है, दोनों टाइम आरती का प्रसाद वितरण होना। विसर्जन में हम लोग के विसर्जन से पहले मतलब हांडी, दही हांडी का प्रोग्राम होता है, बच्चे दही हांडी फोड़ते हैं और उसके बाद में अपनी पूरी कॉलोनी में घुमाया जाता है पापा पप्पा को। घुमाने के बाद में विधि विधान से ढोल तमाशे के साथ में इनका रामुंगा जो विसर्जन करते हैं। इसी कार्यक्रम में गणेश स्तुति महोत्सव हुआ संपन्न। तपेश्वर मंदिर से निकाली गई गणपति विसर्जन शोभा यात्रा। 2 तारीख से तपेश्वर मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य विसर्जन यात्रा के पश्चात गणेश चतुर्थी महोत्सव तपेश्वर मंदिर से संपन्न हुई। इस अवसर पर सभी भक्त अबीर गुलाल में रंगे नजर आए। वहीं विसर्जन यात्रा में भगवान शंकर पार्वती की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। इस मौके पर सभी श्रद्धालु भजनों पर नृत्य करते नजर आए। गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष जल दिया। गणेश चतुर्थी के पांचवे दिन शहर के कई स्थानों पर पंडाल पर विराजमान किए गए गणेश जी का
ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन किया गया। अकेले बरस तू गणपति बाप्पा मोरया, अकेले बरस तू जल्दिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े नीवा, श्री गणेश जी महाराज की जय। आरती कर लो। इस बीच भक्तों ने जमकर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। गणपति बप्पा अगले बरस गणपति बप्पा गणैया पे तू गणपति बप्पा। साथ ही ढोल नगाड़ों ने धूम पर जमकर डांस किया। कई जगह से चौवारी गंगा में गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया तथा उनकी प्रार्थना की गई कि अगले बरस वह फिर घरों में खुशहाली लेकर पधारे। इस बीच विसर्जन करने जा रहे भक्तों ने बताया। इस बाबूराम धर्मशाला से छोटे से स्तर से गणेश महोत्सव की स्थापना की थी। आज यह गणेश महोत्सव उत्तर प्रदेश में बरेली है जाना माना शहर हो गया। नाथ नगरी में 350 जगह पे स्थापना हो गई है। बरेली में हर घर में हर गली में हर मंदिर में गणेश जी की स्थापना शुरू हो गई है। बरेली वासियों ने गणपति बाप्पा को ऐसे अपना लिया और हर घर में पूजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग एक साप्ताहिक महोत्सव मनाते हैं। Thank you.